दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये पहला जो आपका पार्ट है उसमें मैं शादीशुदा लोगों के लिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को प्री मेच्योर एजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है और काफ़ी दवाई करा चुके हैं उसके बाद भी कोई लाभ नहीं मिला, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा और मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। इसको करने के लिए आपको एक कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठना है। इसके तीन रीजन होते हैं जिन लोगों को ये समस्या होती है। पहली समस्या, खासकर ये समस्या उन्हीं लोगों को होती है जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, लो टेरेस्ट्रॉन लेवल होता है जिनका और स्लीपिंग प्रॉब्लम। दोस्तों स्ट्रेस और एंजाइटी होने के कारण आपको देखिए इसमें और क्या क्या हो सकता है, हार्ट डिसीजेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है कि मोटापा, मतलब ये चीज़ें आपको बिल्कुल ठीक करनी है, मतलब ड्रिंकिंग करनी नहीं है, स्मोकिंग करनी नहीं है, अपने डायबिटीज को, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो उसको ठीक करना है और आपके मोटापे को कम करना है और हार्ट डिसीजेज इसको भी सही करना है। वो पूरा मैं बताऊँगा कैसे आप इससे निजात पा सकेंगे। इसके बाद आपका जो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो क्यों होता है, आप बहुत ज़्यादा एलोपैथी की मेडिसिन अगर आपने खाई है, अंग्रेजी दवाइयाँ या एंटी एलर्जिक आपने मेडिसिन बहुत खाई है एलोपैथी की, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके बाद स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम प्री मेच्योर एजुकुलेशन की होती है। अब आपको कॉपी और पेन ले लीजिए और उसको लिख लीजिए। अगर आप इसको कर लेंगे और उसके साथ साथ क्या करना है, क्या परहेज करना है, उन सब चीज़ों को करेंगे तो 100% आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपको 3 महीने तक पूरा करना है और तब तक के लिए आपको कोशिश करना है कि अपनी पत्नी से दूर रहना है अगर आप शादीशुदा हैं तो। अब आपको क्या करना है, सिद्ध मकर ध्वज सबसे पहले लिख लीजिए कॉपी पेन लेकर, इन चीज़ों का पाउडर बनाना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिद्ध मकर ध्वज 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, वंग भस्म 5 ग्राम, लौह भस्म 5 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम, उटगन बीज 20 ग्राम। आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत स्लोली स्लोली। सिद्ध मकर ध्वज 5 ग्राम, पहले नंबर पे हो गया सिद्ध मकर ध्वज 5 ग्राम, उसके बाद दूसरे नंबर पर अभ्रक भस्म 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, तीसरे नंबर पर वंग भस्म वंग भस्म 5 ग्राम, फिर उसके बाद लौह भस्म चौथे नंबर पे, लौह भस्म 5 ग्राम, फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे शिलाजीत 10 ग्राम, पाँचवें नंबर पर है शिलाजीत 10 ग्राम, छठे नंबर पर उटगन बीज 20 ग्राम। 6 चीज़ें हैं, इनका पाउडर आपको बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जो पान खाते हैं हरे वाले पान लेकर आना है और इस पूरे पाउडर में इतना डालना है उसका रस, पान के पत्ते का रस डालना है कि इस ये गीला हो जाए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, इतना गीला करना है कि इसकी चने के बराबर गोलियाँ आपको बना लेनी है, चने का जो दाना होता है उसके बराबर गोलियाँ बना लेनी है और आपको इसको प्रतिदिन एक गोली सुबह एक गोली शाम को गाय के दूध के साथ लेनी है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। आप अगर ऐसा करेंगे आपकी प्री मेच्योर एजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या पूरी तरह सही हो जाएगी और आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ही हैप्पीली होगी। ये तो आपका हो गया जो पुरुषों में प्रॉब्लम शादी है शादी के बाद। अब हम बात करते हैं लो स्पर्म काउंट की। अगर आपको
बच्चे नहीं हो रहे हैं, माँ बाप बनने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इसको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों का, पहले तो आपको अपना स्पर्म काउंट को टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट कराने के बाद अगर आपका स्पर्म काउंट लो है या जीरो है तो आप इस उपाय को कर लीजिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। गारंटी के साथ 3 महीने में आपके 60 मिलियंस, हाँ दोस्तों 60 मिलियंस आपके बढ़ जाएंगे। और आप इसको जैसे जैसे करते जाएंगे आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 1 महीने में ये है। आप जब करेंगे 3 महीने में तो बहुत तगड़ा बढ़ेगा, आप खुद देखिएगा, 3 महीने आप करके देखिए। नंबर एक चीज़ पे है, लिख लीजिए आपको, अश्वगंध पाउडर 100 ग्राम, दूसरे नंबर पे सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, तीसरे नंबर पर गोखुरु 100 ग्राम, चौथे नंबर पर सालम पंजा 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम, उसके बाद इमली बीज 50 ग्राम, इमली बीज 50 ग्राम, नारियल दरियाई 50 ग्राम, सिंघाड़ा पाउडर 50 ग्राम, सौंठ पाउडर 25 ग्राम, धागे वाली मिश्री 625 ग्राम। इन सभी चीज़ों का पाउडर आपस में मिक्स कर लेना है और दूध के साथ, गाय के ही दूध के साथ 5 ग्राम आपको सुबह और शाम को सेवन करना है, 5-5 ग्राम सुबह और शाम को। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मसूर दाल, इसमें फोलिक एसिड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। जिंक फूड और बीन्स, हरी सब्जियां जो अंकुरित होते हैं, चने या अंकुरित मूंग, उसको ज़्यादा लेना है, मूंगफली अंकुरित लेनी है। लहसुन का सेवन करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका सेवन करना है, और अखरोट खाएं, कम से कम 3 से 4 अखरोट डेली आपको लेना है। और आपको टाइट अंडरवेयर नहीं पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है, और गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, बाथ नहीं करना है, और प्रतिदिन कम से कम 2 केले खाना है। इतना आप करेंगे तो आपको पूरा 100% फ़ायदा मिल जाएगा, चाहे आपका स्पर्म काउंट 0 लेवल ही क्यों ना हो। 3 महीने आप करके, 3 महीने के बाद आप जब टेस्ट कराएंगे, 3 महीने तक आपको किसी भी तरह का स्त्री संसर्ग से दूर रहना है, कुछ गलत वीडियो नहीं देखना है, कोई चलचित्र गलत नहीं देखना है। और परहेज क्या करना है, आपको ड्रिंकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, इसके साथ खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, और मिर्च मसाले वाली चीज़ें भी नहीं करना खाना है। आपको खाने से पहले जो डाइट फॉलो करना है वो ध्यान कर लीजिएगा। खाने से पहले आपको सलाद खानी है कम से कम 200 ग्राम, गाजर है, चुकंदर है, खीरा है, ये खाना है, उसके बाद आपको खाना खाना है, भोजन करना है, और शाम के 6 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है थोड़ा, तो आपको बहुत जल्दी ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा 2 महीने के अंदर, अगर आप शाम को 6 बजे के बाद खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने के पहले आपको 200 ग्राम सलाद खाना ही खाना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है, और गाजर का जूस 1 गिलास पीना है, और अनार का 1 गिलास जूस पीना है। इतना आप करिए, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको करिएगा, आप एक बार करके देखिए, फिर आप बताएंगे कि आप वाकई में आपने जो बताया पूरा 100% राइट है और मुझे पूरा फ़ायदा हुआ है। आप कमेंट करेंगे 3 महीने के बाद, मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, अपनी बात को रखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।